नमस्कार, फिल्म बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। भाभी जी की सौम्या टंडन ने बिग बॉस 13 को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा कुछ ऐसा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। सलमान खान की विवादित शो बिग बॉस के 13वें सीजन का इंतजार हर किसी को है। हाल ही में इस शो की थीम से लेकर लोकेशन में बदलाव होने जैसी कई खबरें सामने आई थी। इसी के साथ साथ टीवी और फिल्मी की दुनिया के कई कलाकारों के नाम इस शो में हिस्सा लेने के लिए सामने आए हैं। इस लिस्ट में देवोलीना, मेघना मलिक, सिद्धार्थ शुक्ला, चंकी पांडे, टीना दत्ता और रानी चटर्जी जैसे सितारों का नाम शामिल है। हाल ही में हमने आपको भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन से उनके करियर और निजी जिंदगी को लेकर ढेर सारी बातें की। देखा जाए तो कई कलाकार इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन सौम्या के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सौम्या से पूछा गया अगर उनके पास बिग बॉस 13 का ऑफर आता है तो क्या वो इस घर में आएगी, तो उनका जवाब वाकई में चौंकाने वाला था। सौम्या की माने तो वो कभी भी बिग बॉस के घर में नहीं जाएंगी, चाहे उन्हें कितनी भी फीस क्यों ना ऑफर हो। इतना ही नहीं, सौम्या अपने इंटरव्यू में यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है वो बिग बॉस के लिए नहीं बनी है और ना ही ये शो उनके लिए बना है। उन्हें लगता है कि मैं इस शो के लिए कोई भी कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। वैसे सौम्या कई रियलिटी शोज में बतौर होस्ट नजर आ चुकी हैं। वैसे सौम्या आगे कहती हैं, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं रियलिटी शो होस्ट करूं, लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई बहुत अच्छा ऑफर मिलता है तो मैं जरूर उसके बारे में सोचूंगी। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सौम्या को बिग बॉस 13 में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।